Hello students, in today's lecture we will start with the third chapter of science, that is synthetic fibers and plastic. Okay, just a minute. So synthetic fiber and plastic. अब सिंथेटिक वर्ड का मतलब रहेगा हमारे लिए यहाँ पे मैन मेड थिंग्स, ठीक है, मतलब कि जो नेचुरली नहीं बनाई जाएगी, ठीक है, इंसानों ने खुद अलग अलग रिसोर्सेज के थ्रू बनाया होगा, ठीक है, दैट विल बी सिंथेटिक फाइबर इन द सेंस व्हाट, तो फाइबर वी कैन से दैट अ वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड फ्रॉम विच क्लोथ ऑब्लिक फैब्रिक इज मेड इज नोन एज फाइबर, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, पतला सा हम कह सकते हैं, ठीक है, कि जिसको हम क्या कहेंगे, फाइबर कहेंगे, और उस फाइबर को नीट करके अच्छे से क्या बनाया जाता है, हम कह सकते हैं कि फैब्रिक बनाया जाता है, ठीक है, फैब्रिक यानी कि हमारा कपड़ा, कपड़े को यानी कि फैब्रिक को अच्छे से हम कह सकते हैं कि सिल के क्या बनाया जाता है, अलग अलग हमारे पहनने लायक क्लोथ्स बनाए जाते हैं, ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर इन द सेंस क्या कि मैन मेड फाइबर्स, ठीक है, आर्टिफिशियल फाइबर्स, ठीक है, नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स तो अभी देखते हैं, तो ये आर्टिफिशियल फाइबर की क्या जरूरत आन पड़ी, तो इसके लिए मैं फर्स्ट चैप्टर के जैसे यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा, पहले तो ह्यूमन बीइंग के तीन बेसिक नीड्स है, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी के बारे में पूरा डिस्कशन हमने क्या किया, फर्स्ट चैप्टर में कर दिया, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो अब दूसरा हमारा यहाँ पे क्या आएगा डिस्कशन, दैट इज द वी कैन से दैट कपड़ा, ठीक है, यानी कि क्लोथ। अब जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि एज वी आर ऑब्जर्विंग पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, ओके, धीरे 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 हमारा पॉपुलेशन क्या होता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और सबके ये तीन बेसिक नीड्स रोटी, कपड़ा और मकान तो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है, तो सबके क्लोथ्स यानी कि कपड़े की नीड्स को फुलफिल करने के लिए नेचुरल फाइबर्स हमारे सफिशिएंट नहीं है, जो कि हमें प्लांट्स में से मिलते हैं, जो कि सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, सबकी नीड्स को वो फुलफिल नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए फिर हमें क्या ढूंढा, ह्यूमन बींग्स ने क्या खोजा या इन्वेंट किया, तो ये इन्वेंट किया है इन्होंने सिंथेटिक फाइबर्स, यानी कि ये आर्टिफिशियल फाइबर्स है, केमिकल्स में से फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, प्लांट्स की इसमें कोई जरूरत है नहीं, ठीक है, तो इस तरीके से ये बनाने जाने वाले हमारे सिंथेटिक फाइबर्स है, जो कि सबकी क्लोथ की नीड्स को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं, ठीक है, तो चैप्टर के अंदर हमें सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ना है, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से, बहुत ही ऊपर ऊपर से इनका मैन्युफैक्चरिंग आएगा, डेप्थ में मैन्युफैक्चरिंग हम पढ़ नहीं सकते इसका, ठीक है, लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाए, ठीक है, तो बहुत ही ऊपर ऊपर से इसका मैन्युफैक्चरिंग आएगा, ठीक है, फिर खास करके सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके यूजेस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर, ये सारी चीज़ें हम चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसके बाद है एंड प्लास्टिक्स, ठीक है, अगर दोस्तों आप थोड़ा सा अपने आप को यानी कि अपने आप के लाइफस्टाइल को विजुलाइज करो ना, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इन प्लास्टिक के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है, ठीक है, सुबह उठ के सबसे पहला काम अगर हम ब्रश करेंगे तो ब्रश, उसके ब्रिसल्स और ब्रश इटसेल्फ किससे बना हुआ है, प्लास्टिक से बना हुआ है, बकेट टम्बलर किससे बना हुआ है, प्लास्टिक से बना हुआ है, हम कह सकते हैं कि कई बार हमारा प्लेट बॉल वो भी किससे बना होता है, प्लास्टिक से बना होता है, हमारा फैन लाइट और इन सबके स्विच जो होते हैं किससे बना हुआ होता है, प्लास्टिक से, लिखने के लिए अभी आपके हाथ में जो पेन है वो किससे बना होगा, प्लास्टिक से बना होगा, ठीक है, तो काफी सारा हम कह सकते हैं कि डेली रूटीन में हम प्लास्टिक को यूज करते हैं, ठीक है, हमारा वाटर बॉटल है, लंच बॉक्स है, ठीक है, ये सारी चीजें प्लास्टिक से बनी हुई होती है, तो हम डेली रूटीन अगर देखने जाए तो काफी सारी चीजें हमारी प्लास्टिक से बनी हुई होती है, ठीक है, तो ये प्लास्टिक क्या है, उसके टाइप्स क्या है, ठीक है, क्लासिफिकेशन और उसके यूजेस खास करके, और प्लास्टिक के एनवायरमेंट के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट्स, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे इस चैप्टर के प्लास्टिक्स के टॉपिक के अंदर ऑब्जर्व करेंगे, तो इतनी चीजें हमें इसमें पढ़नी है, ठीक है,
सो फाइबर से हमने शुरुआत करना है, तो फाइबर तो जैसे हमने समझ लिया कि थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और उसको अच्छे से हम कह सकते हैं कि नीट करके, वूविंग करके क्या किया जाता है, उसका फैब्रिक बनाया जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस सारे काफी लंबे होते हैं, ठीक है। पहले अगर हम देखे जाए तो नेचुरल फाइबर्स के बारे में हम डिस्कस करें, सपोज मान लो कॉटन है, ठीक है, तो कॉटन आपने देखा होगा, हम घर पे यूज कॉटन हमेशा करते ही है, तो कैसा होता है, तो उससे पहले तो फाइबर बनाया जाता है, उस फाइबर का नीटिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, उसके मशीन्स होते हैं कि जिससे फैब्रिक बनाया जाता है, उस फैब्रिक को काट के क्या किया जाता है, उसका डाइंग किया जाता है, मतलब उसके अलग अलग कलर्स उसको दिए जाएंगे, ठीक है, और बाद में उससे क्या किया जाता है, उसको सिल के क्लोथ्स बनाए जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हमारा अलग से लंबा होता है, ठीक है। तो फाइबर, फाइबर टू फैब्रिक, फैब्रिक टू वी कैन से दैट क्लोथ्स विच कैन बी वेयर, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा क्या है, फैब्रिक का कंसेप्ट है, ठीक है। अब ये जो फैब्रिक होते हैं वो नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल भी होते हैं, ठीक है। आगे हम ये पॉलीमर वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो उसमें ऑफ कोर्स डीप में हम जाने ही वाले हैं कि एक्चुअली क्या है, बट अदरवाइज ऊपर ऊपर से मैं बता दूं तो जैसे कॉटन है, ठीक है, जूट है, तो ये सारे हमारे क्या होंगे, नेचुरल फाइबर्स होंगे, ठीक है, वूल है, ठीक है, सिल्क है, तो ये सारे हमारे नेचुरल फाइबर्स होंगे। और आर्टिफिशियल में अगर हम देखने जाए तो आर्टिफिशियल में नायलॉन होता है, पोलिएस्टर होता है, ठीक है, तो ये एक्रेलिक होता है, रेयॉन होता है, ये सब सारे हमारे क्या है, आर्टिफिशियल फाइबर है, ठीक है। आपने कई बार क्लोथ के शॉप पे जाके आपने देखा होगा कि ये क्या है, तो नायलॉन है, ठीक है। खास करके आपके सॉक्स में आपने कभी काफी सारा दिक्कत देखा होगा कि नहीं, हमें तो कॉटन मेड सॉक्स ही चाहिए, उसमें हमें ईचिंग नहीं होता है, नायलॉन सॉक्स होते हैं तो उसमें ईचिंग होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट हम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर्स यानी कि नायलॉन जो होगा वो आपका स्वेट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उस वजह से आपको वहां पे ईचिंग होता है लेग में, ठीक है। लेकिन अगर आपने कॉटन सॉक्स पहने हैं तो वो कॉटन सॉक्स क्या करेंगे, आपका स्वेट एब्जॉर्ब कर लेंगे, इस वजह से ईचिंग होता नहीं है। तो ऐसे काफी सारी चीजें हमें चैप्टर के अंदर डिस्कस करनी है, ठीक है। तो ये हमने फाइबर देखा, ठीक है। फाइबर का वूविंग जो है वो जहाँ पे किया जाता है, दैट इज नोन एज यार्न, ठीक है, YARN, वहां पे उसका क्या किया जाएगा, प्रॉपरली वूविंग किया जाएगा, और उससे क्या बनाया जाएगा, फैब्रिक बनाया जाएगा, ठीक है। फैब्रिक बहुत ही हम कह सकते हैं कि ज्यादा प्रोपोर्शन में लंबा लंबा बनाया जाता है, ठीक है, और उनसे फिर क्लोथ बनाए जाते हैं, ठीक है। देन आफ्टर फाइबर एंड फैब्रिक देयर इज अ पॉलीमर, पॉलीमर क्या है, तो पॉलीमर इज अ वेरी बिग मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ओके, पॉलीमर जो है, ठीक है, वो क्या होता है, बड़ा सा मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल मतलब हम कह सकते हैं कि छोटा सा आप फिलहाल पार्टिकल कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, मॉलिक्यूल, और इसके बारे में डिटेल में डिस्कस आप 9th के केमिस्ट्री में करोगे। तो पॉलीमर इज अ वेरी बिग मॉलिक्यूल फॉर्मड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, एंड दिस स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर नोन एज मोनोमर्स, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, मोनोमर्स कहा जाता है। ये मोनोमर्स जो होते हैं, छोटे 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 मोनोमर्स को कंबाइन करके क्या बनाया जाता है, पॉलीमर बनाया जाता है। इसके लिए मैं जैसे आपको एक एग्जांपल दूं कि आपका वो जो सपोज यूपीन होता है, तो यूपीन को एक साथ आप जोड़ते जाओ, ठीक है। अगेन मेरा ड्राइंग कुछ जमने वाला है नहीं, पर फिर भी मैं आप ऐसे यूपीन को ज्वाइन करते जाओ, ठीक है, ये ज्वाइन होंगे नहीं है, आप समझो यूपीन है कि जिसको, या बीड्स है जिसको आप क्या करते जाओ, इस तरीके से ज्वाइन करते जाओ, ठीक है। तो आपका क्या बनता जाएगा, इस तरीके से लंबा सा
चेन बनता जाएगा, दैट इज नथिंग बट द पॉलीमर वी कैन से। जो एक एक आपका यूपीन है दैट इज द मोनोमर, उनको ज्वाइन कर देंगे तो पूरा जो बनेगा दैट विल बी द पॉलीमर। तो ये जो प्रोसेस होता है कि मोनोमर्स को कंबाइन करके पॉलीमर बनाना, दैट प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। ओके, अ प्रोसेस इन विच मोनोमर्स आर कंबाइंड एंड पॉलीमर इज फॉर्म्ड इज, दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। ठीक है, और इस पॉलीमराइजेशन से खास करके क्या बनाए जाते हैं, ये पॉलीमर्स बनाए जाते हैं। तो हमारे पास दो तरीके के पॉलीमर्स रहते हैं, नेचुरल पॉलीमर और दूसरे हमारे सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, नेचुरल पॉलीमर में अगर हम देखने जाए तो हमारे कौन कौन से पॉलीमर्स आएंगे, तो कॉटन आएगा, जूट आएगा, सिल्क आएगा, वुल भी आ सकता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या होंगे, नेचुरल पॉलीमर होंगे। सिंथेटिक पॉलीमर्स में अगर हम देखें तो जैसे नायलॉन है, रेयॉन है, ठीक है, फिर पॉलिएस्टर है, फिर पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड है, तो ये सारे जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, सिंथेटिक पॉलीमर्स होंगे। और जैसे मैंने कहा कि कॉटन, जूट, सिल्क, वुल, ये सारे जो है वो हमारे बेसिक ह्यूमन नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, इन सिंथेटिक पॉलीमर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि कॉटन आप कंसिडर करो तो कॉटन का फार्मिंग जो होगा, ठीक है, उसमें प्लांट में ऐसे ऐसे कॉटन जो होते हैं वो बॉल्स जैसे बनते हैं, अब उनको क्या किया जाएगा, प्रॉपरली उनका फाइबर में कन्वर्जन किया जाएगा और उससे फैब्रिक में कन्वर्जन। मतलब आप देखो कि कितने ज्यादा तादाद में कॉटन लगता है इसमें, ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी में कॉटन लगता है। सेम वे सिल्क, तो सिल्क तो काफी सारा हम कह सकते हैं कि महंगा इसीलिए है क्योंकि काफी कम बनता है नेचुरली, क्योंकि सिल्क कहाँ से बनता है, तो सिल्क मोथ जो होता है, ठीक है, वो अपने सराउंडिंग में जो ककून बनाता है, उस ककून को जब वो छोड़ के चला जाएगा उसमें से क्या बनता है, सिल्क बनता है। ठीक है, यहाँ तक कि आपने सुना होगा कि सिल्क जो है वो इतना एक्सपेंसिव है कि उसकी स्मगलिंग वगैरह भी आपने सुना होगा, ठीक है, या देखी हो, मतलब देख कई न्यूज वगैरह में देखा होगा। तो सिल्क तो इतना हम कह सकते हैं कि इसी वजह से वो एक्सपेंसिव है और इतना रेयर है कि जल्दी से मिलता नहीं है। ठीक है, तो अफकोर्स वो नेचुरल फाइबर जो है वो सबकी नीड्स फुलफिल करेगा नहीं। वूल जो है वो आपको मालूम है कि क्या होता है, शिप में से बनाया जाता है, उसकी स्किन के ऊपर से उसको क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा और उनका किस में, फाइबर में और फैब्रिक में कन्वर्जन किया जाएगा। तो वूल भी हम कितना मिलेगा हमें, शिप सभी पूरे इंडिया के हम सिर्फ पॉपुलेशन कंसिडर करें तो सबके नीड्स को ये नेचुरल फाइबर जो है वो फुलफिल कर पाएंगे नहीं। ठीक है, या नेचुरल पॉलीमर जो है वो फुलफिल कर पाएंगे नहीं, और इसी वजह से हमें किसके ऊपर डिपेंडेंट बनना पड़ता है, इन सिंथेटिक फाइबर पे। तो ये इन सभी के सब्स्टिट्यूट्स है, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, वूल, इन सभी के सब्स्टिट्यूट्स यहाँ पे हैं। ठीक है, जो कि हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं अलग अलग सिंथेटिक फाइबर्स के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पॉलीमर्स के बारे में डिस्कशन। ठीक है, पॉलीमर क्या है, तो पॉलीमर जो है वो छोटे छोटे यूनिट्स यानी कि मोनोमर्स को कंबाइन करके बनाए जाते हैं। ठीक है, सो दिस आर द पॉलीमर्स। तो नेचुरल पॉलीमर में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, ग्लूकोज होता है, ये मोनोमर होता है। ऐसे काफी सारे सेल्यूलोज के मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके क्या बनाएंगे, पॉलीमर बनाएंगे, ये हमारे कॉटन, जूट, सिल्क वैसे। ठीक है, इन सब में अलग अलग हमारे केमिकल हम कह सकते हैं कि मोनोमर्स होते हैं, नायलॉन बनाने के लिए अमाइड होता है, पॉलिएस्टर बनाने के लिए ईस्टर होता है। ठीक है, तो वैसे सभी में अलग अलग तरीके के हम कह सकते हैं कि क्या होते हैं, मोनोमर्स यूज होते हैं, जो कि ये हम डिटेल में अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। ओके, सॉरी आपका लिखना तो रह गया, मैं वो तो भूल ही गया, टाइम देना। हाँ, पॉलीमर इज अ वेरी वीक, हाँ
पॉलीमर इज अ वेरी बिग मॉलिक्यूल फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल विच आर मोनोमर्स। हाँ, ये आप कीवर्ड लिख लो, ठीक है, फिर मैं आगे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स पे जाता हूँ। आगे का फाइबर भी मैं आपको लिखने का टाइम देना भूल गया हूँ, प्लीज वो थोड़ा सा रिवाइंड करके आप लिख लेना। सो टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स में हम नोट्स का सीक्वेंस देखें तो आपका फर्स्ट है रेयॉन, देन नायलॉन, उसके बाद शायद पॉलिएस्टर है, हाँ पॉलिएस्टर है और एक्रिलिक है। ये चार टाइप के सिंथेटिक फाइबर्स खास करके हमें देखने हैं, ठीक है, इसके बाद हम फिर क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स और वो सारी चीजें ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं, फर्स्ट हमारा सिंथेटिक फाइबर दैट इज रेयॉन। अब रेयॉन जो है वो सिल्क का सब्स्टिट्यूट है, क्यों, क्योंकि रेयॉन का अपीयरेंस जो है वो बिल्कुल ही सिल्क जैसा होता है, ठीक है। अगर आप दूर से देखो रेयॉन और सिल्क, ठीक है, तो आप डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाओगे, आपको वो सिल्क ही लगता है, ठीक है, लेकिन टच करने पे, फील करने पे पता चलता है कि हाँ ये ओरिजिनल सिल्क है नहीं, ठीक है, वो पहचानने में आता है, ठीक है। तो इस वजह से रेयॉन जो है वो हमारा क्या है, सिल्क का सब्स्टिट्यूट है। दूसरी रेयॉन की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उसको सेमी सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। द रीजन इज दैट कि रेयॉन का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है कि उसमें उसको बनाने के लिए एक तो वुड पल्प यूज होता है। अब ये वुड पल्प यानी कि क्या हुआ, नेचुरल सब्सटेंस हुआ। अब ये वुड पल्प को क्या किया जाता है, विक्टोज करके ऐसे एक केमिकल सब्सटेंस होता है उसके अंदर, उसके साथ उसको क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, और प्रॉपरली मिक्स करने के बाद उसको छोटे 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 होल्स में से क्या किया जाता है, निकाला जाता है, ताकि ये क्या बनता है, रेयॉन फाइबर बनता है। उस फाइबर का अगेन हम कह सकते हैं कि मूविंग करके, यान में मूविंग करके क्या किया जाता है, फैब्रिक बनाया जाता है, और उस फैब्रिक से सारी चीजें बनाई जाती है, ठीक है। तो रेयॉन को बनाने के लिए आप देख सकते हो कि दो चीजें यूज हुई,
एक हमारा क्या हुआ, वुड पल्प यूज हुआ, और दूसरा हमारा क्या हुआ, यहाँ पे केमिकल यूज हुआ। इस वजह से थोड़ा सा आर्टिफिशियल चीज और थोड़ा सा नेचुरल चीज यूज हुआ। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेमी सिंथेटिक फाइबर, ना कंप्लीटली सिंथेटिक ना कंप्लीटली नेचुरल, ठीक है। सो दैट इज सेमी सिंथेटिक फाइबर। और जैसे हमने डिस्कस किया कि वो क्या है, सिल्क का सब्स्टिट्यूट है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि सिल्क के एब्सेंस में हम उसको यूज कर सकते हैं। और ऑफकोर्स यहाँ पे वुड पल्प यूज हो रहा है, तो रेयॉन का मोनोमर हमारा क्या होगा, सेल्यूलोज होगा, ठीक है। ये सेल्यूलोज मोनोमर्स कंबाइन होके क्या बनाएंगे, हमारे लिए पूरा पॉलीमर बनाएंगे, विच इज नोन एज रेयॉन, ठीक है। तो ऑफकोर्स रेयॉन का हम कह सकते हैं कि अपीयरेंस कैसा होगा, एकदम शाइनी होगा। दूसरी, रेयॉन की एक खास कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ईजीली इट कैन बी डाइड, ठीक है। मतलब कि डाइंग इन द सेंस, यहाँ पे इसका कलर अप्लाई करना, ठीक है, कि जो हमारे पास रेयॉन है उसके अंदर कलर अपीयरेंस नहीं होगा, लेकिन अलग अलग तरीके के हमें कलर अपीयरेंस भी उसमें लगाने होते, कलर अप्लाई करने होते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज डाइंग, ठीक है। उसको डाई अप्लाई करना, डाई माने कलर्स, ठीक है। तो रेयॉन का डाइंग इजीली हो सकता है। वैसे तो सारे आर्टिफिशियल फाइबर्स में ये, यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स में ये पॉइंट कॉमन ही रहने वाला है कि सबका डाइंग इजीली होता है, ठीक है। पर यहाँ पे हम सिल्क के साथ भी इसका क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हुए, रेयॉन के, ठीक है। रेयॉन के बाद हमारा है नायलॉन, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि नायलॉन जो है वो फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है जो कि इन्वेंट हुआ था न्यूयॉर्क और लंदन में पैरेलली, ठीक है। नायलॉन फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है जो कि न्यूयॉर्क में और लंदन में क्या हुआ था, पैरेलली इन्वेंट हुआ था एक साथ, ठीक है। इसी वजह से इसका नाम NY से, मतलब न्यूयॉर्क से NY और लंदन से LON, नायलॉन रखा गया है, ठीक है। नायलॉन की स्ट्रेंथ जो है वो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा होती है, ठीक है। पॉलिएस्टर की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है, लेकिन हम कह सकते हैं कि पॉलिएस्टर कंपैरेटिवली सॉफ्ट होता है, लेकिन नायलॉन जो होगा, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ जो होगी वो काफी ज्यादा होगी, ठीक है। बाकी अगर हम देखने जाए तो नायलॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स में ऑफकोर्स इट कैन बी इजिली डाइड, ठीक है, फिर इजिली इट कैन बी ड्राइड, ठीक है, डाइड एंड ड्राइड। डाइड इन द सेंस कि उसको इजिली हम कलर कर सकते हैं, और ड्राई इन द सेंस कि वो वाटर बहुत ही कम एब्जॉर्ब करेगा, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इसकी बिल्कुल होती नहीं है। इस वजह से नायलॉन से बने हुए जो फैब्रिक्स होते हैं वो इजिली क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, उनको ड्राई होने में ज़्यादा समय लगता नहीं है, ठीक है। एंड एज सच नायलॉन जो है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इस वजह से नायलॉन का यूजेज जो है, ठीक है, वो रोप है, पैरासूट रोप्स है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बनाने में ज़्यादा होता है, ठीक है। अब नायलॉन जो है उसका मोनोमर है एमाइड, ठीक है, AMIDE, अमाइड मोनोमर से ये नायलॉन बनाया जाता है। सो दैट विल बी पॉलीएमाइड, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, हमारा पॉलीएमाइड हो जाएगा। तो ये नायलॉन जो है वो अमाइड मोनोमर से बनाया जाता है, अमाइड मोनोमर्स को कंबाइन करके बनेगा पॉलीएमाइड, कि जिससे बनाया जाता है नायलॉन। अब ये अमाइड मोनोमर कहाँ से मिलता है हमें, तो वो पेट्रोकेमिकल्स में से मिलता है। पेट्रोकेमिकल्स इन द सेंस क्या, कि जब हमें सॉइल में से या जमीन में से या ओशन में से, आप कहीं से भी कंसिडर करो, जब हमें क्रूड ऑयल मिलता है, ठीक है, या क्रूड ऑयल को कहा जाता है पेट्रोलियम। अब उस पेट्रोलियम में से उसके सारे फ्रैक्शंस हम डिराइव कर ले, आगे के हमारे जो 5th-6th चैप्टर है इसमें हम ये डिस्कस करने ही वाले, पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कि उसमें हम उसके सारे फ्रैक्शंस डिराइव कर ले, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, जेट फ्यूल और लुब्रिकेंट्स, ये काफ़ी सारी चीज़ें उसमें से हम निकाल लें। बाद में लास्ट में जो रेसिड्यू बचता है, ठीक है, उसमें जो बचता है उसको कहा जाता है पेट्रोकेमिकल, और इन पेट्रोकेमिकल्स में से इनका मोनोमर अमाइड मिलता है, ठीक है। इन अमाइड मोनोमर्स से, यानी कि अल्टीमेटली दिस आर काइंड ऑफ केमिकल्स ओनली, इन केमिकल्स को कंबाइन करके क्या किया जाता है, हम कह सकते हैं कि नायलॉन बनाया जाता है, ठीक है। तो दैट इज द प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग नायलॉन, वी कैन से, ठीक है। तो ये हमारा पूरा नायलॉन के बारे में डिस्कशन हुआ। नेक्स्ट इज द पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर जो है वो किस में से बनाया जाएगा, तो ईस्टर मोनोमर में से बनाया जाएगा, ठीक है। पॉलिएस्टर जो है वो किस में से बनाया जाएगा, ईस्टर मोनोमर में से बनाया जाएगा। और पॉलिएस्टर से काफी तादाद में क्लोथ्स बनाए जाते हैं,
ठीक है, पॉलिएस्टर से बने हुए शर्ट्स, टी शर्ट्स, पैंट और अलग अलग काफी सारी चीजें जो है वो पॉलिएस्टर से बने हुए होती है, ठीक है। और पॉलिएस्टर जो है उसमें से हम कह सकते हैं कि टेरलीन भी बनाया जाता है, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वी कैन से दैट ब्लेंडेड फाइबर विच विल बी मेड अप बाय द पॉलिएस्टर, और इट्स अ टाइप ऑफ पॉलिएस्टर आप ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है। और साथ में ये टेरलीन जो है या पॉलिएस्टर है उसको नेचुरल फाइबर के साथ क्या किया जाता है, ब्लेंड किया जाता है, यानी कि मिक्स किया जाता है, और हम कह सकते हैं कि सेमी सिंथेटिक फाइबर बनाए जाते हैं। जैसे कि टेरिकॉट बनाया जाए तो टेरिकॉट में क्या होता है, ये टेरिलिन होता है, ठीक है, और टेरिलिन के साथ साथ में कॉटन को ब्लेंड किया जाता है, तो टेरिलिन और कॉटन दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है टेरिकॉट, ठीक है। और ये टेरिकॉट जो है वो ब्लेंडेड फाइबर होगा, यानी कि ना कंप्लीटली नेचुरल फाइबर और ना ही कंप्लीटली आर्टिफिशियल फाइबर, ठीक है। तो इसका बेनिफिट यही होगा कि नेचुरल फाइबर यानी कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को हमें कम यूज करना पड़े, ठीक है। तो वैसे टेरिलिन का ब्लेंडिंग जो है वो वूल के साथ भी किया जाता है, तो उससे जो बनता है दैट विल बी टेरिवूल, उसको क्या कहा जाएगा, टेरिवूल कहा जाएगा, और हम कह सकते हैं कि वो वूल के साथ में ब्लेंड किया जाएगा और उसके एब्सेंस में यूज किया जा सकता है, ठीक है, ताकि वूल का यूज हमें कम करना पड़े। अगेन ईस्टर मोनोमर जो है वो भी एमाइल के जैसे ही किसमें से पेट्रोकेमिकल्स में से ही क्या किया जाता है, डिराइव किया जाता है, ठीक है। उसमें से ये रेसिड्यूज, पेट्रोलियम के रेसिड्यूज में से ये सारे अलग अलग तरीके के हमें केमिकल्स मिलते हैं कि जिनका यूज इस तरीके के हम फाइबर्स बनाने में कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द पॉलिएस्टर। लास्ट वन दैट इज द एक्रेलिक, एंड एक्रेलिक इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ वूल, वी कैन से रेयन किसका है, सिल्क का, नायलॉन अपने हिसाब से आर्टिफिशियल फाइबर है, पॉलिएस्टर हम कह सकते हैं कि कॉटन के एब्सेंस में यूज किया जा सकता है या उसका सब्स्टिट्यूट बन सकता है, और एक्रेलिक जो है वो किसका है, वूल का सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। कि एक्रेलिक खास करके कैसा होता है, वो फैब्रिक जो होता है वो वार्मनेस प्रोवाइड करता है हमें, ठीक है, इसी वजह से वो हमारे विंटर वेयर्स बनाने में खास करके यूज होता है, ठीक है। इसको बनाने के लिए केमिकल यूज होता है, थोड़ा सा उसका पेचीदा नाम है, एक्रेलिक विल बी फॉर्म फ्रॉम अ और मेड फ्रॉम अ केमिकल कॉल्ड एक्रेलोनाइट्राइड, ठीक है, एक्रेलोनाइट्राइड केमिकल में से ये बनाया जाता है एक्रेलिक, और वूल की एब्सेंस में उसको हम यूज कर सकते हैं। ऑफकोर्स वो वार्मनेस प्रोवाइड करता है, विंटर वेयर्स बनाने में यूज होता है, प्लस एक्रेलिक की प्रॉपर्टीज में एक तो वो रिंकल रेजिस्टेंट है, यानी कि उसमें रिंकल्स इजिली लगते नहीं है, लेस वाटर एब्जॉर्बिंग है, ठीक है। आपने विंटर में ऑब्जर्व किया होगा कि अगर हमने हमारा स्वेटर जो है उसको धोने के लिए डाला है तो कम से कम हमें 1.5-2 दिन तक उसको सुखाना पड़ता है, अगर धूप अच्छे से नहीं आती तो वो नहीं सूखता है, ठीक है। तो मतलब कि सामने एक्रेलिक अगर हम देखने जाए तो वो बहुत ही कम वाटर एब्जॉर्ब करेगा, मतलब ईजिली वो ड्राई हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, इट कैन बी इजिली डाइड, मतलब उसको कलर भी हम इजिली बना कर सकते हैं, ठीक है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि अलग अलग जैकेट्स है, मफलर है और कैप है, वैसे सारी चीजें बनाने में एक्रेलिक जो है वो यूज होता है, और खास करके एक्रेलिक जो होगा वो लाइट वेट होगा, ठीक है। वूल जो होगा उसका वेट क्या होता है, ज्यादा होता है, लेकिन एक्रेलिक जो होगा वो क्या होगा, लाइट वेट होगा, इजी टू कैरी होगा, ठीक है, और इजीली वॉशेबल होगा, हम आराम से उसको अच्छे से क्या कर सकते हैं, धो सकते हैं और अलग अलग फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो थे वो हमारे मेजर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स थे, ठीक है, रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रेलिक, ठीक है। तो ये हमने आज डिस्कस किए, अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि चैप्टर का स्टार्टिंग में फाइबर है, पॉलीमर है, और टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर उसमें रेयन, नायलॉन, पीछे पॉलिएस्टर और एक्रेलिक, इतनी चीजें आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। नोट्स आपके पास आ चुके होंगे व्हाट्सएप पे, तो उसमें से आपको ये इतनी चीजें पढ़ लेनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स डिस्कस करेंगे, और अगर टाइम होगा तो ये डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर भी हम क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ताकि फिर हमारा प्लास्टिक वाले टॉपिक पे हम स्विच हो सके, ठीक है। सो यहां तक का आप लोग देख लेना, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर, सी यू सून।